कहाँ चली गई है यास्मीन? अस्मा वो पता नहीं ये मौका है इस वक्त ऐसी बात करने का या नहीं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था मैं तुमसे। कहूँ रोमान, वैसे तो हर बात बिला झिझक कर देते हो और अब तो मुझे आदत सी भी हो गई है। शिकायत नहीं कर रही क्योंकि अब उसकी पोजीशन में हूं नहीं ना, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी और तुम्हें बच्चे की खुशी देकर भी खुशी ना दे सकी। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो उसी तरह मैं हम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। ट्रस्ट मी, चाहता हूँ हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारें। मैं तुम्हारी जगह समझ रहा हूँ, तुम्हारे लिए मुश्किल है ना ये फैसला, और इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम रियलाइज नहीं कर पा रही हो कि इस बच्चे का इस दुनिया में क्या गारंटी है कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम मेरी माँ पर शक कर रही हो, तुम कह रही हो वो झूठ बोल रही है। मेरे मुंह में अल्फाज मत डाले रोमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स गलत हो, हम दोबारा से टेस्ट करवाएंगे। और अगर दोबारा यही रिपोर्ट्स आई तो फिर हम बार बार टेस्ट करवाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। कम ऑन यार, इतना वक्त नहीं है हम दोनों के पास आया करने के लिए। तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक खेल तमाशा हो, मेरे लिए नहीं है। And I'm taking it very, very seriously. पता नहीं कहां चले गए ये लोग, सारा बना बनाया खेल ही ना बिगड़ जाए। सादिल को भी इस वक्त आना था। शुभान मान गया? माने क्या था तकरीबन? कहीं जहन बदल ना दे अपना। मैं तो चाहती थी इसी वक्त अस्मा को भी प्रेशराइज करके किस्सा तमाम करती। अगर टेस्ट वेस्ट करवा लिया ना इन लोगों ने, सारा भांडा फूट जाएगा। चालाक लड़की है, ये समझ जाएगी। आप उसे होश में नहीं आने देना। होश इस वक्त मेरे उड़े हुए हैं आबान। मामा आप कभी कभी मेरे बारे में भी तो यही सोचते होंगे ना? मर जाए, सबकी जान छुट जाए, क्योंकि अब आप मुझे अबॉर्ट तो करा नहीं सकती। देखा, अस्मा भी नहीं मानेगी।